हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमालया कंपनी की सेप्टिलीन के बारे में। सेप्टिलीन एक दरअसल हिमालया की एक बहुत मशहूर टैबलेट्स बनी हैं जो बेसिकली एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी के लिए यूज़ की जाती हैं। तो किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम सेप्टिलीन का यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसमें डाला क्या गया है। तो बहुत ही अच्छी और ताकतवर मेडिसन्स इसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट जो हैं, ये गाउची है, ये मंजेष्टा है, आंवला है, शिग्रू है, यष्टिमादु है, और पाउडर जो है गोगलू है। इसके अलावा ओलिगम रेसिन जो है इसमें यूज़ किया जाता है, और एक भस्म भी है जिसको शंख भस्म भी कहते हैं, तो वो भी इसमें डलता है। तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो इसके बेनिफिट्स की बारे में अगर हम बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो आपकी सांस की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें फीवर है, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ही ताकतवर इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेप्टिलीन है, ये हमको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी जो है मेडिकल शॉप वाला है वो हमें दे देता है। इसके अलावा हम इसको टॉन्सिलाइटिस में यूज़ करते हैं, गले में सूजन हो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और ब्रोंकाइटिस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसके डोजेज के बारे में बात करें, तो इस अगर हम एडल्ट डोज के बारे में बात करें, तो 2 टैबलेट्स जो हैं दिन में 2 बार यूज़ करनी है गुनगुने पानी के साथ। तो और अगर हम बुढ़ापे में इसका यूज़ देखें, तो 2 टैबलेट्स सेम तरीका है, 2 टैबलेट्स गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार यूज़ करनी है, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसका ट्रीटमेंट दिया करते हैं, क्योंकि ये जो है इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करती है। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, तो अभी तक ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो है या तो कंपनी ने अभी उस पर काम नहीं किया है, या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो देखा जाए तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें इसको यूज़ करने से पहले। अब इसकी एक और बात है कि ये बच्चों के लिए सेफ मानी जाती है, बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे लें, तो मैंने पहले ही कहा है कि 2 टैबलेट्स जो हैं दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम ज़रूर लें। तो ये सेप्टिलीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए।